जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कोई टाइप नहीं है कॉस्टिंग का। दरअसल ये एक मेथड है जिसमें हम कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी यही है कि कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट भी यही है कि एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हमें कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, इसकी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एक यूनिट ज़्यादा, तो इसका ये देखो ये भी दे रखा है इन्होंने डेफिनेशन में, आप पढ़ सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि हमने पिछले अभी कौन सी यूनिट प्रोड्यूस करी थी उसकी कॉस्ट आ जाएगी हमारे पे। यानी कि हम एक कॉस्ट को दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट से हम अपनी पिछली कॉस्ट, हम बहुत सी डिसीजन ले सकते हैं, हम प्रॉफिट का डिसीजन ले सकते हैं, हमने अगर प्रॉफिट मेंटेन करना है तो उस वेरिएबल कॉस्ट से ही ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम सेलिंग प्राइस भी तभी फिक्स कर सकते हैं जब हमें वेरिएबल कॉस्ट पता हो, क्योंकि हमें पता है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में इतनी कॉस्ट आएगी, इतनी कॉस्ट हमें आई है, तो अगली यूनिट करने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट द चेंज और टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। चेंज इज द टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय वन यूनिट, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना चेंज हुआ उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है मार्जिनल कॉस्ट, कि अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने में हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है जिसे हम उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, सिंपल सी है ये डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन अगर आपने पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, वैसे आप यहाँ पर भी एक लाइन है, मार्जिनल कॉस्ट द एग्रीगेट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का एग्रीगेट कहते हैं, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। द मार्जिनल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। भाई इतना समझ लेना कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यही है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, और हमें इससे पता चलता है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हुए हमें कितनी कॉस्ट आई है, और वही वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्रीगेट को ही हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर इग्नोर्ड। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही नज़र करते हैं, सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को ही देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम इग्नोर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन्होंने एग्जांपल से समझा रखा है। मान लो एक टोटल कॉस्ट है 1000 यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है 5000, तो वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने ऊपर दे रखी होगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट देखो 5 रुपये पर एनम है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 5000, टोटल कॉस्ट आ गई 10000। अब फिर पर यूनिट कॉस्ट आ गई 10 रुपये। ठीक है, 10000 को 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 यूनिट है ना, तो टोटल कॉस्ट अगर हम निकाले 1000 एक यूनिट की, तो उसमें देखो क्या डिफरेंस होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये ज़्यादा हो जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट इसी कहते हैं हम, कि एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हमें कितनी कॉस्ट चाहिए, 5 रुपये, जिससे ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अगली अगर हम यूनिट बनाएंगे तो हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तो उसी के हिसाब से ही हम अपने प्राइस फिक्स कर सकते हैं, अपने और डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि तो प्राइस तभी आप फिक्स कर सकते हो जब हमें पता हो, हमें प्रॉफिट का डिसीजन ले सकते हैं, आगे अगर प्रॉफिट गिरने वाला है बढ़ने वाला है तो हम उसके हिसाब से अपने प्राइसेस फिक्स कर सकते हैं, सिर्फ अगर मार्जिनल कॉस्ट हमें पता हो तो। ठीक है, ये इन्होंने बता रखा है कि भाई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने डेफिनेशन दे रखी है, करेक्टरिस्टिक्स तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, कुछ नहीं है, वही बना वही सारा कुछ अभी बताया जो मैंने आपको, जितनी भी कॉस्ट है सबको वेरिएबल में, फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड कर देना है मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट लेंगे जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक और बड़ी बात, जो स्टॉक ऑफ वर्क, जो वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ फिनिश गुड है, तो वो भी हम मार्जिनल कॉस्ट पे ही वैल्यू करते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें हम ना इग्नोर कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह,
और जो प्राइसेस है, जो मैंने बताया आपको, प्राइसेस जो डिटरमाइन होगा वो मार्जिनल कॉस्ट से ही वजह से होगा, ठीक है। इसके आगे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको बताऊँगा आगे। अजम्पशंस क्या क्या ले रखी है कि इसमें हमने एक तो कॉस्ट को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कॉन्स्टेंट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये एक अजम्पशन है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम है, सेलिंग प्राइस भी हमें कॉन्स्टेंट है कोई भी एक्टिविटी हम कर लें, ये एक अजम्पशन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ओनली द फैक्टर विच देखो इसमें हमने कहा कि आउटपुट ये जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, ये एक अजम्पशन है। वैसे और भी फैक्टर होते हैं जो कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, तो इसके हम ये डिसएडवांटेज ला सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और टोटल कॉस्टिंग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है, ये टोटल कॉस्टिंग टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो, हम प्रोडक्ट पे चार्ज कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि प्रोडक्ट पे चार्ज करना, जो हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा था एब्जॉर्प्शन में, उसी को कहते हैं कि अगर हम टोटल कॉस्ट को जब हम यूनिट में पर उसके प्रोडक्ट में चार्ज कर देते हैं, तो हमें खर्चा आता है कि भाई ये टोटल कॉस्ट में एक यूनिट में खर्चा कितना आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो प्रोडक्ट कॉस्ट, अब ये डिफरेंस बता रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आखिरकार क्या डिफरेंस है इनमें, वही डिफरेंस आ गया, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड कर देते हैं हम, इसमें हम टोटल कॉस्ट को चार्ज करते हैं प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट में हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या करते हैं, सारी की सारी कॉस्ट जो फिक्स हो या वेरिएबल हो, इसमें हम प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज करते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को करते हैं, ठीक है। स्टॉक में भी ऐसे ही होगा, और अंडर ओवर फिक्स कॉस्ट, इसमें फिक्स कॉस्ट इग्नोर करते हैं मार्जिनल कॉस्ट में, इसमें हम देते हैं। मैनेजर डिसीजन में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बिल्कुल काम नहीं आता, मार्जिनल कॉस्ट काम आता है, क्योंकि इसमें बहुत से डिसीजन हम ले सकते हैं, सेल प्राइस का, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी का, एक्सेट्रा, मैनेजर डिसीजन, ठीक है, बेसिस हो गई। तो ये कुल मिला के ये है। अब इन्होंने ये बता रखा है कि भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेल, ठीक है, ये तो आपको बताइए कि सबसे पहले सेल लिखते हैं, ठीक है, लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब वही सारी डायरेक्ट, वो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ये सारा करके वही सब कुछ इन्हें करना है जो हमने हमें कॉस्ट शीट में पढ़ा था, सब कुछ वैसे ही करके हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि सबसे पहले हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, बस ये याद रखना, सबसे पहले हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, जितनी भी कॉस्ट की, ठीक है, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट हो, मटेरियल की, लेबर, सबको वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। उसके बाद जाके हमने सिर्फ फिक्स कॉस्ट को सबसे लास्ट में माइनस करना है, जितनी भी फिक्स कॉस्ट आई है हुई, बस ये इसमें डिफरेंस है छोटा सा कि वेरिएबल कॉस्ट को सबसे पहले माइनस करना है, चाहे वो कोई भी हो, उसके बाद सारे के सारे फिक्स कॉस्ट को सबसे लास्ट में माइनस करना है, ये इसका डिफरेंस है। अगर आपको, और इसका क्यों है ये आगे मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए।